हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों का कट ऑफ का खेल अगर ख़त्म हो गया होगा ना, तो आप सीजीएल मेंस पे फोकस कर लो, क्योंकि मेंस ही जॉब दिलाएगा। कट ऑफ सभी लोग, ऑलमोस्ट सब लोग बता दिए, रेमो सर भी आके बता दिए और एक शुभम जैन सर है वो भी बता दिए, और भी बहुत लोग कट ऑफ बताए। अगर आप किसी से क्लियर नहीं भी कर पा रहे हो ना उनके कट ऑफ के अनुसार, तो भी तैयारी कर लो। अगर इसमें मान लो, मान के चलता हूँ, उनके कट ऑफ के अनुसार आप टॉप कर रहे हो या फिर उनके कट ऑफ के अनुसार आप फेल कर रहे हो, यही दो होगा ना, तो आप फेल भी कर रहे हो तो सीएचएसएल आने वाला है, अभी फॉर्म फिलिंग हो रहा है, सीएचएसएल में आप पास कर जाओगे। तो मैटर ये नहीं करता है कि आप किसी के कट ऑफ के अनुसार पास कर रहे हो कि फेल कर रहे हो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि आप फेल हुए पास हुए। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, सिर्फ कट ऑफ की वीडियोज देखते जाओगे, क्योंकि हर दिन एक ना एक लोग आएगा कट ऑफ बता के जाएगा, तो जो समय जाएगा ना यहाँ पे, इस समय को नहीं आप दोबारा पा पाओगे। तो मेरा यही आप लोगों से आशा है कि आप लोग मेंस की तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस जो है सीएचएसएल का भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। सर आप क्या कहेंगे जो बच्चे अभी कट ऑफ के पीछे आगे पीछे कर रहे हैं? यार देखो, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सब लोगों से, अपना समय यूटिलाइज कीजिए, सही से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को हम यहाँ बुला के सुपर 112 बैच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बात में पड़े हुए हैं कि मेरे 160 नहीं आए, मेरे 170 नहीं आए। अभी क्या ही फ़र्क पड़ता है कि किसके 100 आ रहे हैं या किसको 160 170 आ रहे हैं, करना तो सभी को एग्जामिनेशन ना। मतलब चाहे इस वाला सीजीएल करना हो, चाहे अगली वाला सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, अगर गोल आपका डिसाइडेड है आपको एसएससी ही करना है, तो यार फोकस हो लो, सही से थोड़ा समय सही से यूटिलाइज कर लो, थोड़ी सही से पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। बहुत सारे रिसोर्सेज है, जिसका चुनाव करना हो चुनाव कर लो। जो माई पाठशाला के बच्चे हैं, जिनको अभिषेक से पढ़ाई करना है, जिनको हमारे साथ पढ़ाई करना है, तो सारे के सारे लोग डिफरेंट बैचेज में इनरोल करना है, इनरोल कर ले। जो बच्चे इसके बावजूद भी किसी बैच में इनरोल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम लोग प्लान करके अभी एक दो दिन में अनाउंस करेंगे कि यूट्यूब पर आपकी कैसी मदद करने वाले हैं, यूट्यूब पर कैसे क्लासेज लगाने वाले हैं। मीनवाइल जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुपर 112 ज्वाइन करने के लिए आ गए हैं, और कोई अगर आप में से सुपर 112 ज्वाइन करने के लिए आना चाहता है, तो मैं पहले बोल देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस और एटमोसफियर सबसे अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर एटमोसफियर अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस बेटर कि डिसिप्लिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसिप्लिन आपको घर मेंटेन करना है, आप घर पे बैठ के डिसिप्लिन मेंटेन करो, और घर पे बैठ के डिसिप्लिन मेंटेन करोगे आपके मम्मी पापा का पैसा बचेगा, बहुत सारी चीज़ें बचेगी, लिविंग फूडिंग का कॉस्ट और ये सब, इन्वायरमेंट भी बहुत सारा सही होता है। और ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अगर आपको बैच में एनरोल करना है, तो हम लोगों ने उज्ज्वल बैच अनाउंस कर रखा है। अगर आपका सिर्फ मैथ का सेक्शन वीक है, तो अभिषेक का कोर्स हमने अनाउंस कर रखा है, आप अभिषेक के कोर्स में डायरेक्टली एनरोल हो सकते हो। जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पढ़ाई करनी है, बाकी उनके सब्जेक्ट अगर अच्छे हैं, जिनको पूरा कंप्लीट करना है, तो उज्ज्वल बैच में एनरोल करके हमारे साथ पढ़ाई करें। ऑलरेडी इस चीज़ को ब्रीफ कर दिया गया, 21 तारीख से हम लोगों का मेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है, जो मतलब पेड क्लासेज है, जिन बच्चों ने पैसे दे रखे हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो कहीं से कोई कोर्स नहीं परचेज किए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होगी, लोग सिलेक्शन के बाद बताते हैं हमने यूट्यूब पे यहाँ से किया वहाँ से किया, पैसे नहीं होते तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। जिसके पास पैसे हैं वो थोड़ा समय बचा ले पेड कोर्सेज में, थोड़ा उसका अपना बेनिफिट है कि आपका समय रिसर्च का थोड़ा थोड़ा रह जाता है। आप सबका मिला के भी कोर्स अगर परचेज करोगे, तो 8-10 हज़ार में सारा प्लेटफॉर्म खरीद लोगे, मतलब इतना कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप सभी का खरीद कर रख लो, जिससे मर्जी आए उससे बाई कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप अच्छे जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं, जैसे अभिषेक की क्लासेज अभी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस बैच अनाउंस करेंगे, ठीक है ना। आपको अभिषेक से इंडिविजुअली पूरा का पूरा एंटायर कोर्स कवर करना है, तो प्लेटफॉर्म पे आप जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन यार वही है अभिषेक, मेरे हिसाब से तो बच्चों को इस टाइम पे इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वो बच्चे थोड़ा ध्यान दे कि जो कट ऑफ के बिल्कुल नीचे रह गए हैं, उनके विषय में उनको भी लगता है कि नहीं ध्यान देने लायक है। अगले साल तो करना है ना, सीएचएसएल करना है, एमटीएस करना है, जीडी करना है। मैं दो तीन बातें बोलता हूँ हमेशा। पहला, अगर आपके पास ऑप्शन होता कि आप अच्छे जगह जाके इंजीनियरिंग कर लेते, अपना खुद का स्टार्टअप रन कर लेते, या पापा का अच्छा बिजनेस होता, तो आप कर रहे होते, आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते। आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, तो या फिर आप पुअर क्लास से आते हो जहाँ एकदम गरीब है, पापा किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, या फिर आप लोअर मिडिल क्लास, आपके पापा को छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, या फिर छोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, या मिडिल क्लास। कुछ अपर मिडिल क्लास से भी आते हैं, जैसे अपर मिडिल क्लास वाले आ रहे हैं ना यहाँ पर कुछ, तो उनको सुबह सुबह गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, समय पर उनको जूस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो अपर मिडिल क्लास वाले क्या होते हैं, उनके पास जिम्मेवारी नहीं होती। पापा इंस्पेक्टर है, भैया क्लर्क है, अंकल वो ऑफिसर है, तो कभी दिक्कत नहीं हुआ ज़िंदगी में, हर चीज़ समय पर मिला है, अच्छा कपड़ा मिला है, अच्छा खाने को मिला है, अच्छा रहने को मिला है।
तो उन लोग वो पेन नहीं समझ पाए तो उन लोग को थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना तो भागा भागी कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा। उनसे अगर बोल दो कि तुमको 12 घंटे पढ़ने हैं तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं पाएगा। और कई बार जब मैं पूछता हूँ बच्चों से जो यहाँ पे बच्चे आए हैं तो वो हमको बोलते हैं कि टाइम उनका ख़राब हो रहा है, तो हम उनसे पूछते हैं अच्छा पिछले 12 महीनों में आपने अपने घर पे एवरेज कितनी पढ़ाई की, किसी का एवरेज जो प्रिपरेशन टाइम हो 3 घंटे 4 घंटे भी नहीं निकला है, और तीन दिन में वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर यहाँ पे जो है 12 घंटे प्रोडक्टिव नहीं निकल पा रहा है। अरे भाई थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा यार 12 घंटे प्रोडक्टिव। सभी को ये बात सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो और ज़्यादा डिमांड नहीं करो, खुद से डिमांड करो ना कि मैं ये कर लूँ, मैं इतना स्कोर कर लूँ, मैं ये वाला पद ले लूँ, ये वाला रैंक पा लूँ, ये वाली ड्रीम पोस्ट, ये वाली ड्रीम लोकेशन पे पा लूँ। लोगों से डिमांड मत करो कि आपको क्या चाहिए, पापा से डिमांड मत करो कि आपके फादर आपको क्या नहीं दे पाए, खुद से डिमांड करो। हाँ इधर एन नंबर ऑफ वेज है आपके सेलेक्ट होने के लिए। अगर आप सही मायने में देखो रास्ता तो सिर्फ सिंपल ए से बी का जाता है, अगर आप उस रास्ते पे सही से चल पाओ तो प्रिपरेशन बहुत आसान है। आई थिंक कि मैं अभिषेक के साथ एक और कन्वर्सेशन साझा करना चाहूँगा जो हमें नहीं लग रहा है कि हमने बहुत अच्छे से साझा किया है, मतलब वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो रुक के देखिएगा, मैं कन्वर्सेशन साझा करूँगा। अभिषेक को भी नहीं पता है कि क्या मैं कन्वर्सेशन करने वाला हूँ। हाँ सो मैं मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे आज तक कभी मैंने अभिषेक का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया वैसे, मतलब ऐसे जनरली बैठ के कि मैं कभी अभिषेक से पूछ रहा हूँ पूरा प्रिपरेशन का जो सफ़र है वो कैसा चल रहा है, तो मैं 2019-2020 दोनों सफ़र जो हम समझ पाएँ सही से अभिषेक का वो मैं अभी आपके साथ ही साझा करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी है इत्मीनान से थोड़ा देखिएगा, जरूरी भी है। बस मैं आप... सजेशन देने आया था लेकिन मेरे कोई सर पे साए पड़े हैं। नहीं नहीं जरूरी है क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ। अच्छा 2019 आपने फेल किया है ये जानकारी हमें भी है, ठीक है ना। 2019 के पेपर में अभिषेक ने जो हमें बताया वो ये बताया सीपीओ का पेपर दिया था, उस पर पेपर क्लियर हो गया था, घर वाले चाहते थे आप सीपीओ के पेपर में दौड़ लगाएं करने जाए, आपने नहीं किया। उसके बाद जो आपने मुझे कन्वर्सेशन बताया वो ये बताया हुआ है कि उसके बाद आपने गुमान में आके पढ़ना बंद कर दिया है। मैं अच्छे से बताता हूँ, जून जुलाई के आसपास जब 18 का प्री चल रहा था उस टाइम मैं कन्फ्यूज था, बहुत सारे प्रॉब्लम, 1.5 साल में पढ़ाई नहीं किया था पास्ट में क्योंकि मैं अपने फादर को लेकर हॉस्पिटल का चक्कर बहुत काटा था उस टाइम, मतलब 18 पूरा और 19 का हाफ ऑफ द ईयर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर पूरा नहीं। तो मैं दोबारा जब तैयारी के लिए आया क्योंकि पहले 18 में मैं UPSC का तैयारी करना शुरू किया था, 2-3 महीने करके छोड़ दिया था। जब दोबारा तैयारी के लिए आया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ना कि मैं करूँ तो करूँ क्या, UPSC फिर से शुरू करूँ या फिर मैं अपना, क्योंकि मेरे को एक ही स्किल है जो कि मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने आता था कि होम ट्यूशंस देना शुरू करूँ, पढ़ाना शुरू करूँ। तो मेरे भैया बोले ना कि अभिषेक तुम तैयारी शुरू करो SSC की। तो मैं SSC का तैयारी शुरू किया तो मेरे मार्क्स आते थे बहुत कम, 12 मार्क्स 16 मार्क्स इंग्लिश में आ जाते थे, खास करके इंग्लिश वाला सेक्शन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैथ वाले में मेरे स्कोर ऐसा नहीं कि 50 out of 50 आता था लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस रहता था कि इसमें कर लूँगा, रीजनिंग में कर लूँगा, लेकिन इंग्लिश में परेशान बहुत रहता था। तो भी मैं पढ़ा, क्यों पढ़ना शुरू किया तो मेरे भैया बोले कि 5 साल में हो जाएगा, 19 में मोदी जी का इलेक्शन हुआ, मोदी जी जीते, तो भैया बोले जब 24 में इलेक्शन होगा ना उस टाइम पर वैकेंसी आएगा तब तुम्हारा कोई ना कोई एक, जैसे अभी 40,000 वैकेंसी है तो इस टाइम पे कोई ना कोई एक जॉब ले लोगे, उस टाइम पे वैकेंसी बहुत आएगा, तुम ले लेना उस टाइम। तो मैं यही सोच के पढ़ाई शुरू किया। फिर मेरे को ये नहीं पता चलता था दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं एक दुनिया। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने रेज किया है ना उसके पीछे अंदर मैं बिहाइंड द जो सीन कहते हैं ना, मैं कुछ निकालता हूँ डेटा, जो डेटा पे आपको ध्यान देना है। अभिषेक जो 2020 में सही मायने में आपने तैयारी की, 19 की तैयारी कहने के लिए तैयारी है पर अभिषेक ने 19 में तैयारी नहीं की, फेल होने का कोई रीज़न नहीं होता क्योंकि 19 की तैयारी आई थिंक आपने बिल्कुल सही से नहीं की, सच बात है ना। नहीं मैं पढ़ता तो था, अब जैसे ना अब मेरे को पता नहीं चलता था क्या पढ़ रहा हूँ, मैं GK पढ़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, GK में स्कोर आ रहा है 23-24, कितना भी पढ़ लिया, मेरे को लगता था मैथ में कर लूँगा, इंग्लिश में मेंस टाइम कर लूँगा। अब इंग्लिश पढ़ रहा था लेकिन सोचा था इंग्लिश में मेंस टाइम ज़्यादा अच्छा मेंस टाइम कर लूँगा, मैथ मेरा अच्छा है, रीजनिंग मेरा अच्छा है, लेकिन कभी 100 में 100 नहीं आते थे, 80-85-82 आते थे, इतना से मैं खुश रहता था क्योंकि 40+ भी अच्छा स्कोर है। मेरे को ये बात पता नहीं था कि 100 में 100 भी कर सकते हैं, कोई बताने वाला नहीं था। अच्छा इसके पीछे जो अभी मैं क्वेश्चन रेज करूँ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाना जो चाहता हूँ ये है कि 2021 में आपने सही से प्रिपरेशन किया, 20 वाला प्रिपरेशन सही से नहीं किया, मैं बता रहा हूँ ना जो 19 वाला। तो मैं मुद्दे की बात आ जाता हूँ, कितना समय आपको सही से प्रिपरेशन में लगा, 3 महीने 4 महीने 5 महीने? हाँ, तो जो एग्जैक्टली आपने सही समय वैल्यू डाला है तो मैं बता देता हूँ, कहने के लिए 2-3 साल हो गया लेकिन वैल्यू में 2-2.5 साल में प्रिपरेशन में रहा हूँ टोटल, लेकिन अगर मेरे से बोले कोई वैल्यू डाला स्कोर कितने समय में बढ़ा,
तो अप्रैल 2020 आधा अप्रैल, अप्रैल से शुरू किया मिडिल ऑफ अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आते आते मैथ्स का जो मेंस का पुराना वाला मॉक होता था 200 में से 190 प्लस आने लगे थे, इंग्लिश में 170 180 आने लगा था, मतलब 5 महीने हुआ ऑलमोस्ट 5.5 महीने। और जो मेरा प्री का मॉक था तो मैं छोड़ दिया था रीजनिंग जी के पढ़ना, क्योंकि मेंस होने वाला था, मैं छोड़ के बंद कर दिया था कि मैं पढ़ूंगा अभी मैथ इंग्लिश, तो मेरे प्री में 150 आते थे। और फिर जब मैं 2020 के लिए रीजनिंग जी के पढ़ा तो मेरे 160 प्लस कंटिन्यूस बनना शुरू हो गया, ख़राब भी होता था तो 155 160 157 ऐसे रहता था, और अच्छा जाता था तो मेरे 180 प्लस भी प्री में भी जाता था। तो आइडली सबसे जो सही सटीक टाइम है अगर कोई डिसिप्लिन होकर पढ़े, सिक्स मंथ का मैक्स मैक्स ना, उसके बाद वो और 2-3 महीना दे देगा ना, तो वो अच्छा रैंक प्रैक्टिस के लिए और बाकी 2-3 महीने प्रैक्टिस मॉक सब कुछ। तो 6 महीने मेरा मानना है कि 6 महीने काफ़ी होता है एसएससी की तैयारी के लिए, वो भी ऐसी जो रैंक बनाई जा सके जिसमें अभिषेक ने रैंक बना रखी है। 6 महीने में सर एक चीज़ और, उतना डेडिकेशन नहीं लगता है किसी स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में उस 6 महीने में ना अगर कोई घर से पूछे तो मैं किसी को लगेगा मैं फेंक रहा हूँ, कोविड था मैं कभी घर से निकलता था तो ऐसा होता था 15 दिन रूम से निकला 20 दिन रूम से निकला, कोविड था तो निकलते नहीं थे, मेरे भैया ड्यूटी जाते थे उस टाइम पर मास्क लगा के ड्यूटी जाना होता था। जब ये थोड़ा सा लॉकडाउन खोलना शुरू हुआ जून जुलाई के आसपास तो मैं तब भी घर से नहीं निकलता था, सिर्फ पढ़ाई ही किया हूँ, मेरे को पता नहीं चलता था, मैं कई बार मेरे फोटो दिख जाएंगे मैं खुद ही ट्रिम कर लेता था बाल बाल, मैं सिर्फ खाता था पढ़ता था सोता था, मेरे पास तीसरा कोई काम नहीं था तो मैं और कुछ कोई मेरे दोस्त नहीं था, किसी से मैं बात नहीं करता था, बाद में जाके बहुत लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करना शुरू किए बात करना शुरू किए, किसी से बात नहीं करता था, जब परेशान होता था तो मम्मी से बात करता था, कभी कभी मेरी मम्मी भी परेशान हो जाती थी, दिन भर में 4 बार कॉल कर दिया, और इवन मैं अपना इंटरनेट रिचार्ज करवा के नहीं रखता था फ़ोन का कॉलिंग का। क्वालिटी टाइम अगर मैं देखूं तो एवरेज एंड डे का क्वालिटी टाइम कितना निकाल लेते थे? पता नहीं था सर, जैसे एक बता रहा हूँ और मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ और अच्छे से, अगर ना मैं सुबह 5 बजे उठ गया तो 3-4 घंटे पढ़ूंगा इंग्लिश, फिर मैं मॉक दूंगा मैथ्स का, फिर मैं मैथ्स पढ़ता था, शाम होते होते थोड़ा थक गया 3-4 बजे तो थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं पढ़ता था इस तरीके से। अब कभी कभी ऐसा भी हुआ ना कि मेरे को नींद नहीं आता था क्योंकि मैं स्कोर के पीछे ज़्यादा भागता था कि मेरा और स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं 3:30 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, 4 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को कभी कभी लगता है कि उस टाइम में मैं सही कर रहा था, और इसके बाद ही मेरा स्कोर आना शुरू हुआ मैथ्स में खास करके और इंग्लिश में, सीख लेता था कर लेता था, लेकिन वही इशू थी जो सबकी होती है कि मॉक टाइम नहीं कर पाता था, और जब बैठता था ना बाद में तो मैं कर लेता था, तो मेरे को इस इशू को सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है। और तभी मैं बताता हूँ ना जैसे ही कि आप ये कर लो तो हो जाता है, ये कर लो तो हो जाता है, लोग को लगता है कि एक दिन में ये करके हो गया है, बहुत मेहनत और बहुत समय लगा, मेरे कॉपियाँ भरी पड़ी है। देखो टाइम तो लगेगा आपको प्रिपरेशन में, अगर आपकी बेसिक्स थोड़ी वीक है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर अगर आपके पास एसएससी के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। देखो रुकना नहीं है, मतलब एग्जामिनेशन आ गया, मान लो अगर आपके 90 नंबर भी आया, अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो अगली बार उठ के देना तो है ही है ना। अब आपने एक महीना अगर ये सोचने में बर्बाद हुआ कि मेरा नहीं आया है, इस बार नहीं होगा, रेलवे की तरफ चले जाए, दूसरा एग्ज़ाम है फॉर्म भर लें, वो सब बहुत सारी इशूज़ रहेगी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस समय में इसके समय पर ध्यान देना चाहिए। अगर प्री में मेरा मानना है कि किसी का अगर टफ जरा भी क्लियर हो रहा है तब भी उसको मेंस प्रॉपर ट्राई देना चाहिए, क्योंकि अगली बार प्री क्वालिफाइंग है, मेंस ट्राई देने से प्री तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 बात बताता हूँ सर, 9 दिसंबर 2019 सीपीओ का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पहला एसएससी का एग्ज़ाम था, उस टाइम पर दिया हूँ मेरे 130-132 के आसपास आए हैं, तो कट ऑफ भी 101 ही गया है उस साल सीपीओ का, तो मैं घर जाता हूँ, मैं पेपर देके गया तो मेरे को लगा कि पास तो हो जाऊंगा, क्योंकि पहले से कट ऑफ वटअप आसान चल रहा था, मैं भी देखा करता था कट ऑफ कट ऑफ, और यही सजेशन देने आया था मैं, आप पता नहीं कहाँ घुमा दिए, तो मैं बता रहा हूँ एक बात, तो हुआ कि मैं पेपर देके घर गया, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि 2-3-4 एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना है। रीज़न क्या है कि 9 दिसंबर को मैं पेपर दिया और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक पेपर 24 दिसंबर को था, मेरे को डेट तक याद है क्योंकि मैं खलता बहुत है, मेरा 19 वाला नौकरी बहुत खलता है, तो 24 दिसंबर को एग्ज़ाम था तो मैं गया हूँ, 24 या 25 जो भी था इसी कुछ था, मैं वहाँ गया हूँ पेपर दिया हूँ, उसके बाद वहीं पे रुका, 1 जनवरी को अपना न्यू ईयर मनाया, उसके बाद मैं यहाँ आया तो मेरे उसका भी आंसर की या फिर शायद वायरल हो गया था पेपर, लीक हो गया था,
तो उस पेपर लिख के अनुसार मैं अपने मार्क्स जोड़ता तो 120 बन रहा था 200 में से। तो पास्ट ईयर के कट ऑफ 108 को देखते हुए मेरे भैया बोले और घर वाले आसपास वाले सजेशन दिए कि बिहार एसआई कर लो, दिल्ली पुलिस एसआई से भी बेहतर है और बिहार में रहोगे, अपने घर की नौकरी रहेगी। अभी भी मैं बिहार चूज किया, यही रीजन है, घर के पास रहोगे। तो मैं बिहार एसआई की तैयारी किया, तभी मैं क्लास भी देखता था, सब कुछ देखता था। और उस टाइम पे 31 जनवरी डेट एकदम मस्त से याद है मेरे को आज भी, क्योंकि मैं भूल ही नहीं सकता। रिजल्ट आता है 142 कट ऑफ रहता है, फेल हो गया। अब इस बीच में क्या हुआ ना कि 7 मार्च 2020 को मेरा पेपर हुआ है सीजीएल का। दिसंबर और जनवरी का जो टाइम वेस्ट किया हूँ ना, वो भी एक रीज़न था कि मैं सीजीएल का प्री अच्छा नहीं कर पाया। और भी रीज़न थे, प्री के वाले दिन ट्रेन पकड़ना है, घर पे शादी अटेंड करना है, रिलेटिव गुस्सा मान जाएंगे, ये सब चीज़ जब मैं समझ पाया, जब मैं बैठा, जब मैं 7 मार्च को एग्ज़ाम देके घर गया, 8 मार्च को शादी अटेम्प्ट किया, 10 मार्च के आसपास होली है, आप लोग देखना 10 मार्च 2020 को होली है, मेरे को याद रहती है चीज़ें बहुत अच्छे से, नहीं याद रहती तो शायद मैं पेपर भी नहीं पास कर पाता, मेरे को हर चीज़ याद रहती है एक एक चीज़। तो 10 मार्च को होली के बाद अगले ही दिन हम लोग आ जाते हैं दिल्ली, उसके बाद यही 22 मार्च को लॉकडाउन लगता है। और मेरे भैया कानपुर में उस टाइम रुके थे कुछ दिन के लिए, साइड चल रहा था। और जब मैं आया हूँ दिल्ली तो मैं बैठ के मंथन किया हूँ कि मेरा जो आंसर की घर पे ही था तभी आ गया था 2-3 दिन बाद, या फिर जब आया था आंसर की कम मार्क्स आया था मेरा आंसर की के अनुसार, तो मैं मंथन किया मेरे मार्क्स कम आने के रीजन्स क्या क्या हैं। तो पहला रीज़न कि मैं 2 एग्ज़ाम पे फोकस था, दूसरा रीज़न कि मैं अननेसेसरी प्रेशर ले लिया था जाके सेंटर पे बात करना, लोगों से पूछना तुम्हारा कितना आता है, तीसरा कि हमको उसी दिन बैग पैक करके घर जाना है, शादी अटेंड करना है, रिलेटिव की शादी इंपॉर्टेंट रखती थी उस टाइम पर मेरे लिए, मेरा खुद का करियर नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें मैं लिखा। और फिर मैं उसके बाद से अगर पूछोगे ना मार्च 2020 से, तो मैं टोटल घर पर रहा होगा तो 15 दिन नहीं, अभी तक मैं टोटल 1 से 2 दिन रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता चला कि ये किसी रिश्तेदार का शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आएंगे, लोग बोलते हैं ना तुम्हारी शादी में कौन आएगा, मैं बोल दिया नहीं करूँगा मैं शादी, या फिर मैं कोर्ट में कर लूँगा। अभी भी मेरे घर वाले मेरे, अभी आप सर यहाँ पर आया था आपके सामने कई लोगों के शादी का सर से बताता था कि वीडियो कॉल आया है शादी दिखाने के, मैं नहीं जाता, मैं नहीं बोलता आप छोड़ दो सबका शादी, ठीक है सिर्फ आपके शादी अटेंड करने से ज़रूरी नहीं कि उसका शादी रुक जाए, ऐसा तो नहीं है कि आप शादी में नहीं जाओगे तो शादी नहीं होगा, आप ये देखो आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैं किसी में नहीं जाता, किसी में नहीं जाता मैं, आप मत जाओ, कुछ लोग मेरे को नीचे गालियाँ लिखेंगे कहीं मेरे रिश्तेदार ही ना हो, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे 2 मामा लोग का शादी हुआ, मेरे आसपास घर भैया लोग का शादी हुआ, मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, मैं किसी में नहीं गया, 1-2 भैया के बच्चे होकर चलना शुरू कर दिए हैं, नहीं गया हूँ। तो अब इस बात से मैं बहुत सुनता हूँ कई लोगों का मुंडन बर्थडे ये सगाई बहुत कुछ हुआ, मैं किसी में नहीं गया हूँ, कितने लोगों की मौत हो गया, खुद मेरी दादी भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहता है। तो मैं एक्चुअली बोलता था कि क्या मेरे नहीं रहने से वहाँ पर काम बिगड़ रहा है, तो नहीं बिगड़ रहा है तो नहीं जाऊँगा, अगर मेरे रहने से काम सही हो सकता है तब मैं जाऊँगा। मैंने अपनी मतलब वैसी जी जान से प्यारी इकलौती बहन की शादी मेरी 2016 में थी, नहीं गया हूँ मैं। लोगों को लगता है ना, अब ये सब सर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिए तो मेरे को आवाज़ ही नहीं आती है। नहीं, ये कन्वर्सेशन ज़रूरी है क्योंकि ये मेज़ का समय है, बच्चों को ये भी समझना है ना कि बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ है जिनको करेक्ट करने के बाद ही जो है वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। सफल होना ईजी है, प्रोवाइडेड बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए, सेक्रीफाइसेस। हाँ, और वो डिसिप्लिन अगर आप नहीं क्रिएट करोगे ना तो इश्यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए जो हम लोग इनिशियल इस वीडियो के उसमें स्टार्टिंग पार्ट में सजेशन देने के लिए डिस्कस कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो इसीलिए बैठा था, मैं चाहता था कि ये कन्वर्सेशन हो क्योंकि आपको भी समझ पाना है। कई बार आप पूछते रहते हो कि अभिषेक सर आपने कैसे कर लिया, हम कैसे कर लेंगे, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अभिषेक सर ने कैसे कर लिया वही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अभिषेक सर ने कैसे कर लिया। अभी भी मैं 3:30 हो जाता है रात को, मैं लेट नाइट पहले नहीं पढ़ता था, यहाँ के बाद लेट नाइट भी पढ़ने लगा, अभी भी 3 बज जाता है सुबह में, तब भी आगे क्लास लेता। तो मेरे को जो मैसेज देना है अभिषेक वो यही देना है, मैं तो खाली बस ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था कि आप अभिषेक को ही सही से समझ लो, अभिषेक का वो हिस्सा मत समझो जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी में मैथ ऐसे कर लो, इंग्लिश ऐसे कर लो, जीएस दुनिया पढ़ा रही है, ठीक है ना, लेकिन अभिषेक का वो इनसाइड वाला हिस्सा भी समझ लो कि कितना सेक्रीफाइसेस मेड किया है इस रैंक को बनाने के लिए। और अभिषेक ने ही नहीं किया है, जितने बच्चों ने रैंक बनाया है उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत डिसिप्लिन क्रिएट कर किया होगा, और आपको भी अगर रैंक होल्डर बनना है तो ये सारी सेक्रीफाइसेस नीडेड है। मैं समझने वाले पे एक लाइन बोलता हूँ कि लोग बहुत हड़बड़ाहट में हैं और मैं तसल्ली की चीज़ हूँ।
तो जो तसल्ली से बात करता है ना एक बार, वो समझ के जाता है। तो मैं कभी कुछ नहीं बताता कि मैं क्या मेरे स्ट्रगल रहे हैं। लोग आते हैं अपना स्ट्रगल स्टोरी सुनाते हैं, कैसे पढ़ाई की है, किस तरीके से पढ़ाई की है, 18 घंटे पढ़ दिए, 20 घंटे पढ़ दिए। मैं कभी आज तक एक बार भी नहीं मेंशन किया हूँ। हमेशा मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ाता हूँ और कभी कभी 2-4 जोक्स क्रैक कर देता हूँ, वो भी बहुत रेयर, और चुपचाप पढ़ाता हूँ, ये बताता हूँ कैसे स्कोर बढ़ाना है, और कुछ नहीं बताता कभी भी, आज तक मेंशन नहीं किया। अभी आप लोग ना अभिषेक से समझो, मतलब बिहाइंड द जो चीज़ें हैं वो समझो, सेक्रीफाइसेस समझो, एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो समझो, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आपका कंटेंट है, आपका टीचर है, आपका खुद का डिसिप्लिन है, आपका ट्रस्ट है, खुद के ऊपर टेस्ट है, एटीट्यूड चाहिए आपको, जो हम अभिषेक डिस्कस करते रहते हैं, विदाउट एटीट्यूड कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक और मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, शायद 1-2 दिन बाद वीडियो आपको देखने को मिलेगी भी, हमारे तो सुपर 112 में आए हुए एक बच्चे में से बिहार से ही है शायद, आई थिंक अभिषेक नाम है उनका भी, अभिषेक नामी है उनका स्कोर बना हुआ है प्री में भी 92.5, और शायद कुछ ऐसा शिफ्ट है जिसमें से कट ऑफ क्लियर हो सकता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई उस बच्चे का एटीट्यूड ऐसा है कि अगर हम 3 महीने पढ़ाएंगे ना तो उसको सीट मिल जानी है। मतलब वैसे तो हमने अनाउंस किया था इस तरीके के बच्चों को नहीं पढ़ाने का, बट हमें लगा कि सबसे ज़्यादा नीड तो उसी बच्चे को है, और वो बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्लियर भी कर सकता है। हम बैठने वाले हैं उस बच्चे के साथ, बैठने वाले, मुलाकात भी कराने के प्लान में हम जो है, और उसके बाद हम अगले 3 महीने उसके साथ वर्किंग के बाद जो है ये सामने भी रखने वाले हैं कि उसकी वर्किंग के बाद उसका रिजल्ट आया या नहीं आया। ठीक है, हमें ही गलत लग रहा है कि हम उसका सिलेक्शन करा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि देख के बात करके उसके एटीट्यूड में एक झलक है कि अगर वो 3 महीने हमारे साथ गुजारता है तो हमको लगता है कि हम थोड़ा सा भी अगर फोकस रख के उसके साथ मेहनत कर पाएंगे तो 3 महीने में शायद एग्ज़ाम क्लियर करा पाएँ हमको। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना है कि कोई एग्ज़ाम जैसे 92.5 स्कोर है तो पहली तो बात तो ये है कि बहुत सारा क्वेश्चन मार्क लग गया होगा कि प्री होना है कि नहीं होना है। थोड़े दिन वो परेशान था, मैंने बात किया, उसके बाद बोला कि सर देखो करना तो यही है, तो इस बेटर कि अभी करते हैं, नहीं होगा तो आगे का हो जाएगा। वो एक एटीट्यूड है जो चाहिए। एटीट्यूड मेरे अंदर भी था, मेरे भैया भी बोले कि ठीक है इस मैथ्स में फेल हो जाओगे तो आगे वाला में हो जाएगा। फिर भी मेरे मैथ्स में स्कोर 195 थे उस साल, 2019 में फेल हुए थे ना। फेल हुआ था, मेरे टीयर 3 में 47 भी नहीं आया था, इस बार भी 49 आया। अगर इस बार मेरे मार्क्स 60 रहते ना टीयर 3 में तो मेरा रैंक 22, 23, 32, 33 ऐसे रहता। मेजर रैंक तो खराब हुआ, वो तो डिस्क्रिप्टिव की वजह से खराब हुआ। और इस बार के पेपर में वो जीएस काम करेगी, जैसे पिछली बार डिस्क्रिप्टिव खराब करता था, इस बार के पेपर में ओवरऑल आपका जीएस का सेक्शन जो है आपका रिजल्ट खराब करेगा। तो एक तो मतलब फाइनली ये सलाह है हम लोगों का, दोनों लोगों का, कि आप लोग सही से थोड़ा पढ़ाई करो, डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करो, टाइम सही से यूटिलाइज करो। और मैं स्ट्रेटजी भी बता दूंगा, मेंस का स्ट्रेटजी लेकर आज ही हम पब्लिश करेंगे, आज या कल में स्ट्रैटेजी भी बता देंगे कैसे आप मेंस के लिए पढ़ो, क्या करो, किस तरीके से पढ़ो, मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि मेहनत अल्टीमेटली आप लोगों को बहुत करना है, बिना आपके मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा। हम लोग सजेशन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, रिसोर्सेज दे सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं, पढ़ना लेकिन आप लोगों को ही पढ़ेगा। ध्यान से टेक केयर रखो अपने आप को और मेंस की तैयारी में अच्छे से जोड़ो। कट ऑफ हो गया, बहुत हो गया जो है, मेंस की तैयारी में जुड़ जाओ। उस समय के बाद हम लोग भी मेंस की क्लासेस यूट्यूब पे लेने वाले हैं। और बता दो सर, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसे सरप्राइजेज नहीं दिया करिए। नहीं, बहुत ही कॉमन चीज़ है, मेरा तो काम ही है कि बहुत समय ऐसा हो गया कि वो इनसाइड, कई बार बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं अभिषेक भैया से बात करा तो हम जानना चाहते हैं उन्होंने कैसे किया। मैं कहा यार यूट्यूब पे ही कर देते, सभी बच्चे जान जाएंगे, इनसाइड से समझ लेंगे ना कि अभिषेक अंदर से कैसा है, उसने पढ़ाई कैसे की है, पढ़ा कैसे रहा है, अभी कितना मेहनत कर रहा है, क्योंकि हम साथ में, हम जानते हैं ना कि कितना मेहनत लगता है, कितना मेहनत नहीं लगता है। तो सब लोग अपना ख्याल रखो, मेंस की पढ़ाई करते रहो, हम आपके साथ बने रहेंगे। जो है सुपर 112 में थोड़ा समय लग रहा है, अभी थोड़े समय में 1-2 दिन में यूट्यूब पे भी आ जाएंगे इस बैच को मैनेज करने के बाद जो है, क्योंकि फर्स्ट इस तरीके का प्रोग्राम है तो थोड़ा समय देना पड़ रहा है बच्चों को, एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करने में उनको टाइम लग रहा है।